ये भाई डबल की पीटीओ सापट है, ये टूटी हुई है यहाँ से। और अभी एक कटा डलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग भाई? आज हम आए थे केवल घड़ी, आज हम ये हमारा ट्रैक्टर है 52-10। आज हम आपको इसके पीटीओ सापट के बारे में बताएंगे क्या कमी थी इसके अंदर। ये भाई डबल की पीटीओ सापट है, ये टूटी हुई है यहाँ से। आज हम इसको चेंज करेंगे। ये भी अपनी डबल की है पीटीओ सापट, जो वो टूटी हुई थी ना, वो यहाँ से टूटी हुई थी ऐसे टेढ़ेपन में। और अब हम इसको डाल लेंगे। सबसे पहले तो ये भूसा अपने इनको डाल लेंगे हम। और सबसे पहले हमने ये अपना बिल्कुल अच्छे से ठोक लेना पूरा पूरा। और अब छोटेंगे हम, छोटा बूस ठोकेंगे इसमें एक और, ये बूस अपना ऐसे। बूस से पहले हम ये गरारी भी लगाएंगे इसमें। ये अपनी गरारी है, हमने फिट कर दिया। और अब है इस बूस की बारी, ये अपना दूसरी साइड का बूस है। दूसरा भूसी भी डाल दिया। और अब हम डाल लेंगे ये अपनी जो है ना बड़ी गरारी, इसमें ये वाली। और अभी ये कटा डालेगा कुछ इस तरह से। और ये हमारी छोटी गरारी है। ये इसकी वॉशर हो रही है, इसका लोग भी डाल देंगे साथ के साथ ही। और कुछ इस तरह से दिखेगी अपने तैयार होने के बाद। और लास्ट में ये वॉशर अपन ये भी डाल लेंगे हम साथ साथ ही। और एक बार फिर हम इसकी सफाई करेंगे आना बोंड लगाने के लिए, ताकि हमारी लीकेज कहीं से ना बने। अब हम इसकी करेंगे अपनी फिटिंग। और ये है इसका गियर लीवर जो हम अभी लगा देंगे बस। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। चल बस दूर। ये अपना पैकिंग टाइप है ना बोंड भाई, जो लगने के बाद बिल्कुल पे एक तरह से पैकिंग का ही काम करेगा ये। ले भैया, हमने अपनी दोबारा से पीटीओ की फिटिंग चालू कर दी है। यहाँ दिखाई
रवैया अपना प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। जब हम अपने नट लगा देंगे साथ के साथ इसको, नीचे वाला बोल्ट टाइट करेंगे। ले भाई अपना ये बिल्कुल तैयार हो गया।